बताइए क्या हुआ ऐसा स्कूल के जमाने में, दिनों में, कि आपने इस्लाम को टाटा बाय बाय किया, फिर उसके बाद आपकी कैसी जिंदगी है और आपको चैनल कैसे मिला और क्या कहना चाहती हैं आप? साहिल, एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। मैं एडम से भी पूछना चाहूंगी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम वो भी इस लेवल पे आ गए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एडम का फीमेल वर्जन हूँ या फिर एडम मेरा मेल वर्जन है, क्योंकि वो भी कोई फिल्टर तो रखते नहीं है। मतलब जो उनके मन में वो बोल देते हैं, जो उनको गलत लगता है वो जिस तरीके से गलत लगता है उस तरीके से बोल देते हैं। तो मेरा तो इंसिडेंट ये था कि मैं जब छोटी थी, मतलब 7th 8th क्लास ऐसे कुछ था, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो तो आप, क्योंकि जहाँ मैं पहले स्टार्टिंग में पढ़ती थी 5th क्लास तक, वहाँ सब मुस्लिम बच्चे थे, ठीक है। फिर अचानक से वहाँ एक हिंदू लड़की आई, तो और मेरी दोस्ती उससे अच्छी हो गई। तो घर में बोलते थे नहीं कि हिंदुओं से दोस्ती नहीं होती है, ये इनसे दोस्ती नहीं कर सकते, ये वो। अब वो इतनी अच्छी थी आदत की, मतलब मैं उससे कितनी चीजें सीखती थी, मतलब काइंड होना क्या होता है मुझे वहां उससे पता चला कि कितना अच्छी है वो। तो मुझे लगता था ये कैसे गलत हो सकता है, मतलब इससे दोस्ती करना कैसे गलत हो सकता है, और अल्लाह पाक कैसा है या अल्लाह कैसा है कि इतने अच्छे जने को जहन्नुम में डालेगा। और मैं, मुझे उसके कंपैरिजन में लगता था कि मैं थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं थोड़ी बुरी हूँ। बुरी इन द सेंस के थोड़ी चालाक सी, झूठ बोल देती थी, मतलब मुझे जन्नत मिल जाएगी और उसको जहन्नुम। तो ये ऐसे थोड़ा क्वेश्चनिंग आती थी दिमाग में मेरे। तो ये वाले इंसिडेंट मेरे साथ काफी हुए। तो मैं स्कूल में आई, तब भी मेरे फ्रेंड मुस्लिम बनते ही नहीं थे, मतलब अब पता नहीं क्या था ये चीज, मेरे दोस्त हिंदू ही बनते थे, या तो टचवुड मतलब नजर ना लगे, बट मेरे दोस्त बहुत अच्छे बनते थे, तो पढ़ाई में अच्छे होते थे, नेचर में अच्छे होते थे, और जिनसे मैं कुछ सीखती थी कि आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो। हाँ, ये था। ओके, फिर और फिर ऐसे धीरे धीरे अब मस्जिदों में जो जुम्मे के दिन खुतबा होता है उसमें बहुत अनाप शनाप बातें होती थी, मतलब और वो इतनी लाउड आवाज में, जैसे कभी कभी एडम चिल्ला जाते हैं ना, तो वैसे ही उसी आवाज में इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे हैं वो, मतलब आधी चीजें तो वो बहुत बुरी बुरी बोलते थे। तो वो उनसे मुझे डर लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों होता है। मुझे लिटरली जुम्मा आने से डर लगने लग गया था कि जुम्मा आएगा और ये फिर 12 बजे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। हाँ तो यहाँ से थोड़ा मुझे लगा, फिर मैं धीरे 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 जैसे मेरे पढ़ाई के लिए बाहर आई, तो बाहर आके मुझे और एक्सपोजर मिला, फिर मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिला बाकी सारी चीजों का, तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये गलत है। फिर मेरी, मैंने नमाज छोड़नी बंद कर पढ़नी बंद कर दी, मतलब मुझे समझ, वहां मुझे समझ में आ गया था कि मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ वो बिल्कुल ही गलत है। ओके, क्या हाँ, क्या गलत लगा? एक तो काफिरों के बारे में हेट सिखाया जा रहा क्या है। गलत। हाँ, एक चीज ये थी कि मैं भी मोहम्मद को बहुत मानती थी, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा जैसे मैं आपके 2 3 वीडियो में देखा है, वो मोमिना आती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो आके लड़ जाती हैं कि हम तो ये करेंगे मोहम्मद के लिए, वो करेंगे, तो मैं भी उनमें से ही थी। तो मुझे, मैं भी वैसी ही थी। फिर मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे, मतलब हम लोगों को भी ये ना हमको पढ़ाते ही नहीं इन सब चीजों के बारे में कि हाँ ऐसा भी होता है कि उनके ऐसे, मतलब जो आप बताते हो सेक्स स्लेवरी भी थी, ये भी था, वो भी था, ये सब तो लड़कियों को कुछ बताते ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों को घिन आ जाएगी इन सब चीजों से। फिर जब तक हमारी एज में आते आते अगर जब तक ये पता भी चलता है, तब तक तो हम इतना ज्यादा डीपली उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम अंधे हो जाते हैं। लेकिन अब ये किसी किसी इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है या अपनी उसकी जागरूकता होती है उसके अंदर कि हाँ ये तो भाई गलत है, उसका जमीर भी होता है एक चीज। अब हर चीज को तो हम सही नहीं बोल सकते ना, तो वो तो हमें अपने अंदर से आवाज आती है, हर किसी के अंदर वो आवाज होती है, बस हम सुनना नहीं चाहते उसको। बिल्कुल सही। हाँ, तो बस वही था, मुझे आवाज आई कि हाँ भाई गलत है। फिर मेरे को जब पता चली ये चीज ऐसे भी थी, हजरत आयशा के बारे में पता चला, मतलब पहले तो मुझे भी लगता था हाँ माँ है माँ है, बाद में जब पता चला, मुझे ये नहीं पता था वो इतनी छोटी थी, 9 साल की थी। मैं कहा यार मैं 9 साल में थी, मेरे साथ ऐसा होता।
ये तो बहुत गलत बात है। और जो मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे इस चीज से मुझे बहुत शौक लगा कि ऐसा भी होता था लड़कियों के साथ, उनको गुलाम बना लेते थे ये वो। मतलब अभी भी आप जब किसी से बात करोगे ना, हाँ किसी भी लड़के से इस टॉपिक के बारे में, खासकर चाहे कितना ही मतलब लड़का कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही गवार हो, आप इस टॉपिक पे जब भी बात करोगे तो उस जमाने में ये ठीक था, उस जमाने में ये ठीक था। ठीक है, आप उस इंसान से तो पूछो जिसके बाप को भाई को आपने मार दिया है, उस इंसान की अब कोई पर्सनल चॉइस नहीं रही है। मतलब उस इंसान के बारे में आप नहीं सोच रहे हो कि वो इंसान क्या चाह रहा होगा, कि हाँ मेरे बाप भाई मर गए तो क्या मुझे, मैं किसके साथ सेक्स करना चाह रही हूँ या मैं मरना चाह रही हूँ। कोई भी लड़की मरना ही चाहेगी ऐसी सिचुएशन में, वो नहीं बोलेगी कि मेरे को आप सेक्स स्लेव बना लो या मुझे बाजार में बेच दो। वो तो कहेगी आप मुझे जहर दे दो, जैसे आपने मेरे बाप भाई को मार दिया मुझे भी मार दो, मैं इसी भी तो वजह काफिर ही से लोग हूँ। हिंदुस्तान में कई महिलाओं ने जौहर किया था ना। हाँ जी देखो कितना अच्छा कल्चर है, वो लड़कियां भी इन कर लेती, पर नरेंद्र उनको परमिशन मोदी नहीं थी ना। के आप बच्चे किसी को हाथ पार बांध दोगे या उसको पकड़ लोगे, कैप्चर कर लोगे, यहाँ पे भी अगर कैप्चर कर लेते जोहर से पहले तो वो मुगल यही तो करते ना, वो भी उनको स्लेव बना लेते। बनाई है कितनी औरतों को उन्होंने, तो वही चीज ये है। तो ये आपको सब समझ चीजें में आई, लेकिन ये बाकी जो मोमिनाएं देखती है सुनती है, उनको ये चीजें क्यों नहीं समझ में आती? उनको क्यों नहीं समझ में आती, उनको समझ में इसलिए नहीं आती है मुझे जहां तक लगता है। जब ये पीके मूवी आई थी, आपने देखी है पीके मूवी, जी जी देखा तो हूं मैं। उसमें मतलब हिंदू रिलीजन में ज्यादा दिखाया था। उसमें एक लाइन थी जो मेरे को मतलब बहुत अंदर तक लगा था कि ये सब डर का वो है बिजनेस, बोला था उन्होंने। हाँ तो इस्लाम से ज्यादा डर तो कोई कोई दीन देता ही नहीं है। आप ऐसा सही नहीं बात। करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसा, ये डरे हुए हैं सब कि अगर मैंने मोहम्मद के बारे में ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे तो वो जो एडम का भी मैं सुन रही थी कि जंजीरों में पिरो देंगे, ऐसे डालेंगे, वहां से निकालेंगे, ये डर है उनके अंदर, सबके अंदर डर है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया यहाँ पे डिबेट में तो मेरे साथ तो ऐसा अल्लाह मियाँ ऐसा कर देगा, मुझे तो वहां चला देगा, मुझे वहां तल देगा, ये डर है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे भी बहुत डर लगता था साहिल, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि जब मैं मतलब ये सब मेरे दिमाग में आती थी तो मैं डरती थी, यार मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रही है कि शैतान बहका रहा है मुझे ये वो। मतलब मुझे ऐसी चीजें बहुत मतलब 1-2 साल तक ऐसी फील होती रही कि ये मुझे शैतान बहका रहा है यार, मैं ऐसा सोच रही हूँ मुझे जहन्नुम मिलेगा ये वो। फिर मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों को देखने लगी कि जहन्नुम जहन्नुम होता क्या है, मैं मेरा मन जो कर रहा है मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा करना है, ऐसे पर्दे में, वो चलो अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको बुरखा पहनना है, आपको हिजाब पहनना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर कोई लड़की नहीं पहनना चाह रही, उसको अपने बाल खुले रखने अच्छे लग रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है कि वो स्कूटी पे बैठ के जाए, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। अब मुझे मेरे मन की चीज करने ही नहीं दोगे आप, तो मेरे लिए तो वही जहन्नुम हो गया ना, सही बात है, दुनिया ही जहन्नुम बन गई आपके लिए। दुनिया ही जहन्नुम बन गई। मैं अपने मन से दोस्त नहीं बना पा रही हूँ, जिन दोस्तों के साथ मुझे अच्छा लग रहा है मैं उनके साथ नहीं बैठ पा रही हूँ, और जिन लोगों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं मेरी बातें उनको समझ आ रही है, उनके साथ मुझे जबरदस्ती कि हाँ मेरा भाई है, मेरा दीन वाला भाई है, मेरी दीन वाली बहन है, उनके साथ मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो जहन्नुम क्या होता है, यही तो होता है। सही है बिल्कुल। तो अब फिर जब आपने इतना पहले छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या आपका मामला रहा? घर वालों ने एक्सेप्ट किया, या आपने बताया ही एक्चुअली नहीं, या दोहरी हाँ, जिंदगी गुजार? नहीं, मैं अभी उस स्टेज में पहुंची नहीं हूँ, पर मैं पहुंच जाऊंगी वहां तक भी। अभी तो मेरी मतलब एज काफी छोटी है, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, अच्छा, ओके ओके ठीक है। बट ये है कि मुझे अंदर से पता चल गया है क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इससे, और ना मुझे किसी से कोई डर लगता है ना कुछ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल एडम जैसी हूँ, मुझे जो बुरा लगता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मेरे दोस्त लोग जो हिंदू है वो खुद ही बोलते हैं तो ऐसा कैसे बोल देती है यार तेरा ये वो, मैं कहूँ अपना बताने लगी ना तो हम लोग हिल जाओगे, सही। वही है। तो अब मतलब फ्री लग रहा है, मतलब आजादी लग बहुत रही है, और बहुत सुकून लग बहुत रहा है दिल को, जहन जहन को सुकून, हाँ सुकून। सुकून लगता है मुझे, हाँ फ्री लगता है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं लगता, सर पे कोई बोझ नहीं लगता कि मुझे किसी का बोझ लेके चलना है। बहुत जबरदस्त।
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ईव सीकर जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट है, आपकी एज कम है, तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि अभी पूरा का पूरा फोकस आप अपने स्टडीज पे और करियर पे लगाएं, ताकि मुस्तकबिल आपका अच्छा हो, ब्राइट हो, जी और आप एक राहिल, अच्छी जिंदगी गुजार सके। जी, मुझे बस एडम से एक बार बात करनी अरे मौजूद है, उज्जतुल मुर्तदीन कर लीजिए। है। हेलो एडम, एडम साहब म्यूट पे है, रुक जाइए, एडम साहब अनम्यूट कर लेंगे। जी जी हेलो हेलो जी जी दीदी, वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। हेलो हेलो एडम, हेलो हेलो हेलो। एडम, मुझे आप बता सकती हो कि आपको क्या पॉइंट जो सबसे पहले आपके ऐसे हिट किया हो आपको, वो मुझे वो पॉइंट जानना है। पॉइंट तो बड़े ढेर सारे हिट किए थे, अब मैं कौन कौन से पॉइंट को बताऊं। एक बता दीजिए जो आपको अच्छे से याद आता हो। नहीं, पॉइंट सारे के सारे हिट किए थे मैंने। आहिस्ते से छोड़ा था इस्लाम, पहले मैंने मेरा भी ऐसे ही है हदीसों को छोड़ा आई। था। हाँ, आहिस्ता हाँ आहिस्ता पहले हदीसों को छोड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान को छोड़ा था। कुरान में असल में अगर आप देखो तो कुरान में देर आर सो मेनी हिस्टोरिकल इश्यूज, और जब हम हिस्टोरिकल इश्यूज को देखते हैं तो वहां पे जाके एक्चुअली में आप कुरान को आहिस्ता छोड़ते हैं। लेकिन फिर जब अब पता लगा मुझे और हकीकत सामने आई कि कुरान तो प्रिजर्व्ड ही नहीं है, पहले ये होता था कि मैं हिस्ट्री को डिनाई करता था। इवन तो कि मुझे पता लगना शुरू हो गया था कि हिस्टोरिकल इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें इसके अंदर बताई गई हुई हैं वो है ही नहीं, वो हिस्ट्री के मुताबिक गलत है। लेकिन मैं कहता नहीं, हिस्ट्री लिखने वालों ने गलती की होगी, कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, डेविड को चेन मिल दे दी गई, डेविड के जमाने में चेन मिल हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। डेविड के मरने के तकरीबन 300 साल के बाद कहीं जाके चेन मिल इजाद हुई थी, डेविड के जमाने में थी ही नहीं। फेरोज वाले किस्से में मसला है, सामरी को गलत जगह पे अल्लाह ने रख दिया। सामरी समेरियंस एक खास कौम है जो कि मच लेटर आई थी, एंड सो मेनी अदर हिस्टोरिकल इश्यूज जो कि कुरान के अंदर मौजूद हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर भी हम मैं कहता रहता था, नहीं जी अल्लाह सही है, हिस्ट्री गलत है। वो जब आप बोलते मस्जिद हैं। अक्सा की बात करते हैं, नहीं, ये इन्होंने बाद में बना दिया, असल अक्सा वहीं पे थी, सोलोमन टेम्पल को पहले अक्सा कहते थे, ये लोग झूठ बोलते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल इश्यूज इन द कुरान, लेकिन येट मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा था, कुरान को नहीं छोड़ा था। प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने एक डिबेट देखी ना जे स्मिथ की शाबिर अली के साथ, पहली, उसे कहते हैं क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली, ये 2012 के अंदर हुई थी। तो जब मैंने उसे वो देखा तो मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया यार कुरान ही प्रिजर्व नहीं है। फिर जब मैंने उसको डीप स्टडी करना शुरू किया, रियलाइज किया यार कुरान की प्रिजर्वेशन का तो किसी भी सूरत में कहीं पे कुछ है ही नहीं, इज नथिंग लाइक दैट। तो जितना जब मैं कुरान को समझ लिया, जिस जिस पत्थर पे, जिस रॉक पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ कि यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है यार, ये तो हिल ही नहीं सकता, नीचे कुछ इट्स लाइक अ सॉलिड रॉक, है ही उसके नहीं। बाद देयर इज नथिंग लेफ्ट, यू नो देयर इज नो अदर थिंग टू जस्ट लीव इट। करेक्ट, हम सब उस दौर से निकल के आए हैं, आप मैं साहिल उस दौर से निकल के आए हैं जिससे जिनसे ये अभी सब, जैसे ये रेहान आए थे कोई, ये उसी दौर पर है, ये उसको जैसे हम डिफेंड करते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये उसी पे है। बिल्कुल, अब ये अंदर, इनके अंदर की आवाज है, पता नहीं ये कब सुने उसको या ना सुने। नहीं ऐसे सुनेंगे, डिपेंड्स कि अगर वो स्टडी करना शुरू कर दें, अगर ना भी स्टडी करें ना, तो एज सून एज दे स्टार्ट टू सी दीज थिंग्स, उनके पास कोई और मौकफ नहीं है, या तो वो अपना दिमाग बंद कर लेंगे, या तो वो अपना दिमाग बंद कर लेंगे, या उन्हें इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये तो है, या तो दिमाग बंद करके रहना उनको सही रहेगा, सर पे बोझ लेके जीना सही रहेगा, या फिर उनको उनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। ये तो है, दो ही एग्जैक्टली चीजें हैं इसमें। एग्जैक्टली, सो दैट्स द होल थिंग। सो दिस इज हाउ मेरा जो सफर है ना वो चला, और मेरा सफर इस तरीके से यहाँ पे आके खत्म हुआ कि फाइनली आई हैड टू लीव इस्लाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा साहिल से और आपसे बात करके, और एडम मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अरे 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 अरे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ईव जी, और ईव जी के लिए एक एक गुलाब का गुलदस्ता तो बनता ही है। तो थैंक जी, ये देखिए अभी गुलाब की और दिल की लाइन लग जाएगी। आ गया आ गया, अरे क्या क्या सेलेक्ट हो रहा है, ये लो आ गया, यू, थैंक यू गुलाब ही साहिल। गुलाब। तो चैनल कैसे मिला आपको, वो नहीं बताया आपने।
चैनल लॉकडाउन के टाइम पे मुझे किसी ने बोला था, मतलब बोला तो गया था वो अपना यूट्यूब, हम लोग देखते रहती थी मैं, तो ऐसे मुझे सजेस्ट हुआ, तो कोई जफर हेरिटेक करके हैं एक, उनका देखा था मैंने थोड़ा सा, तो एक दो वीडियो तब देखी, तो मुझे यही था कि हाँ यार मैं तो ये सब चीजों से निकल ही चुकी हूँ, मैं क्या देख रही हूँ इन सब चीजों को, तो फिर मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने उस एक वीक देखा वो सब, जो भी उस टाइम पे एक्स मुस्लिम के चैनल दिखते थे मैं देख लेती थी, सबकी वीडियो देखती थी, मतलब मैं तो निकल ही चुकी हूँ, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि जो अभी भी फंसे हुए हैं। फिर मैंने अभी हाल ही में 3 4 दिन पहले आपकी एक डिबेट आई थी शायद किसी चैनल पर, तो इंस्टाग्राम वाली आपकी रील जो काफी वायरल हुई है, वो 72 हूरों वाली, वो देखी। हाँ, सब जगह वायरल चल हाँ रही है वो। अरे बहुत सही, मैं बंदे में क्या धवे सीधे के 72 हूरे हैं जन्नत में वो बहुत मजा आया देख के। तो फिर मैंने आपको सर्च किया, फिर आपका चैनल मिला यूट्यूब पर, आपको देखा, फिर आपकी डिबेट्स देखने लग गई, तो उसमें मुझे फिर एडम, कहीं बीच बीच में एडम आ जाते थे, तो मतलब जैसे मैं सीरियस होके सुन रही हूँ, फिर अचानक से एडम बीच में आएंगे, किसी मोमिना से बात चल रही होगी, और वो पता नहीं कौन कौन सी वीडियो थी, एक तो वो थी जो काफी मतलब गालियां भी दे रही थी सदफ वाली हाँ सदब बाजी आपकी उससे पहले मैं देखी, तो एडम जैसे बीच में बहुत, फिर मुझे लगा एडम खाली ऐसी बात करते हैं, मतलब बीच बीच में एक्स मुस्लिम है आप मेन हो करके, तो फिर मुझे फिर धीरे धीरे पता चला कि एडम तो बड़े नॉलेजेबल है, बड़ी एडम ही नॉलेज है इनको, ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। फिर धीरे धीरे मुझे कनेक्शन लगा कि एडम तो मतलब मैं एडम के जैसी हूँ, बस मैं उतना नॉलेज नहीं रखती हूँ इस फील्ड में क्योंकि मैं उतना पढ़ी नहीं हूँ ये हदीस वगैरह, ये था। तो ऐसे मुझे फिर इनका आपका और आपके साथ एक और आते हैं जो लाला जी बोलते रहते हैं, आप में से पता नहीं किनको बोलते हैं वो लाला जी, बार पतली सी आवाज है उनकी, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो मतलब आप तीनों की जो टीम है, तो अब जितने भी डिबेट में हो अभी तक मैं सारी मतलब ऐसे देख रही हूँ ना, मतलब मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है, मतलब मुझे नींद बहुत प्रिय है मैं कहूँ तो, पर 3 दिन से मैं रात को सो नहीं रही हूँ, 3 3 बजे सो रही हूँ सिर्फ आपकी अरे डिबेट्स देखती रहती हूँ, आपकी डिबेट्स देखती रहती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं थक जा रही हूँ, मैं टाइम पे नहीं उठ पा रही हूँ, मैं एकदम फ्रेश उठ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डिबेट्स देखना। जैसे मैं अकेले मतलब खाना खाती हूँ, तो पहले मैं सोचती थी क्या देखूँ यार, तो सर्व करते रहते हैं, अब क्या क्या देखूँ, अभी तो मैं आती हूँ खाना अपना टिफिन उठाती हूँ खोलती हूँ और सीधे आपकी डिबेट देखने बैठ जाती हूँ, क्या खाना बात कब है। खा लिया, काम कब कर लिया, फिर थोड़ा बीच में पढ़ाई हो गई वो कर ली, तो पढ़ाई के बाद तुरंत आपकी वीडियो देखनी हुई, मतलब 3 4 दिन से यही मेरा रूटीन हो रहा है अभी तो। हाँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा ध्यान जो है वो अभी फिलहाल पढ़ाई, पढ़ाई में लगाए और करियर पे हाँ जी हाँ फोकस जी, आप करिए। टेंशन ना लें हाँ, हमको टेंशन होती है टेंशन होती ठीक है कि है ठीक है, सामने वाला जो है वो मैं अपना ध्यान नुकसान ना रखूंगी करे। कि आपको टेंशन हो रही है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया युवशिखर जी जुड़ने के लिए और अपनी ओके स्टोरी बताने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, एंड आपको भी बहुत सारा गुड लक, और आप ऐसे ही मतलब सबको ऐसे जागरूक करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। विल ओके ठीक है, डेफिनेटली डू। बाय। बाय बाय। गुड नाइट।